गुलगुले का आटा जो है वो मिला के रख देते हैं, इसके बाद पकौड़े की तैयारी करेंगे। अभी हम इसमें चीनी डाल लेते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसको अभी मैं पानी से घोल लेती हूँ। आज हम लोग आलू प्याज और पालक के पकौड़े बना रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं है, आलू एक ही है, मंगा दिया। ये तुम लोगों छील के लोगों, मैं कट करूंगी लंबे लंबे, तीनों मिक्स हो जाएंगे। हाँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छे बनेंगे। कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो गुलगुले का है ये गूंद के रख दिया है, और अभी हम प्याज को कट कर लेते हैं एकदम लंबा लंबा, ताकि वो पकौड़े में अच्छा बने, जितना बारीक हो सकता है, उससे ऐसी वाली कम हो पाती है, लेकिन ट्राई करते हैं। आलू वाले मेरे आलू जल्दी से लाके दे दिए हैं, तो मैं मुझे प्याज छील के दे रही है, और रिजा क्या कर रही है, आलू छील के दे रही है। सारा भी करी होगी, सारा को भी हम आगे काम देंगे। और मैं तुम्हें भी दे रहे हैं कुछ फ्रूट्स काट के। तो अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी काटोगे तुम आज में, टाइम भी कम है। हाँ, तुम अभी काटना स्टार्ट करते हो, अभी है 5 बजने में। क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आंसू आ रहे तो लाओ दे दो। फ्रेंड्स, हम सबको काम दे रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो मेहर की मर्जी थी कि उसे प्याज छीलना है, इसलिए मैं फ्रूट थोड़ा जल्दी काटना शुरू कर रहा हूँ। सारा आप उसकी हेल्प करो, बेचारे दोनों काम करो। तुम ये जो कचरा निकलता जा रहा है इसे हटाते जाओ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि भैया अम्मी लोग ना इसमें कम खुश होगी कि तुमने इफ्तार बनाया, इसमें ज्यादा नाराज होगी किचन के क्या हाल कर दिया, तो किचन भी उनको साफ करके दे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गई हूँ कि आलू को लंबा लंबा कैसे काटते हैं, अगर ऐसे काटेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। गूगल पे देखते हैं। सारा प्याज को मिक्स करके दे रही है, और इतनी आंसू आ रहे हैं इसके। तो बाकी सारे काम तो हो चुके हैं। सारा को मैंने बोला है वो जो बॉल्स बन जाती है ना आटे में, वो उसको मिला के दे रही है, वरना वो गुलगुले के बीच में आएगी। और पता चला पालक नहीं तो धर्मनगर लेने गए, वो ले आएंगे, उसके बाद बनाएंगे। हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल एकदम व्हिपिंग मशीन की तरह घोल डाला है सच में। ले आ धर्मदादा पालक। तुम फ्रूट काटो बड़े, तुमने इतना बड़ा वो पौधा में कहते ना बयाना लेके रख लिया है कि हम सब करेंगे, और नहीं किया ना। और मैं 6 बजे से काटना शुरू करूंगा। और आज नाजा खाले का सालगिरह नहीं, आज नाजा खाले की शादी का सालगिरह है। आज के दिन तुमने खालू के साथ उसका रिश्ता कर दिया था, शादी कर दी, फिर सारा आई थी। बेटी खा लो गुलगुले में तेल गरम करके, गरम है, हमने घी गरम करके डाल देते हैं। ताजी ताजी हरी पालक आ गई, इसको धो के जल्दी से कट करके पकौड़े में मिला देते हैं। हैंड वॉश कर लिए थे, अभी हम डाल देंगे इसमें बेसन। सबने कहा था लास्ट टाइम कि बेसन थोड़ा कम डालो। फ्रेंड्स, चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गुलगुले जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूछ ना निकले, बस टाइम लगता है। अभी फ्रेंड्स 1 घंटा या 1.25 घंटा बचता है तो गुलगुले यहाँ पे हो जाएंगे। बाहर का देख लीजिए, रिहान ने कितने फ्रूट्स कट कर दिए, उनके फिंगर में लग गए, फिंगर में लग गए। रिहान बस हो गया, लेकिन मैं करूंगा। रिहान प्लीज, आप कुछ और कर लो। अरे कोई बात नहीं, तुम प्लेट जमाने में काम कर देना, सारा आज पूरी प्लेट जमा देना बस। तुम बैंडेड ला दो, चलो इतना लगती रहती है। ध्यान पेड़ जमाने का काम करेगा, बाकी उसने फ्रूट्स पूरे कट कर दिए हैं। बच्चों से हो जाता है क्योंकि चाकू वाकू थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आगे से ध्यान भी ध्यान रखेगा, और जो बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग भी करो, लेकिन थोड़ा सेफ्टी से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैग अच्छी आ रही है, सूट भी अच्छा लग रहा है अम्मी, मैंने तो आपको जाते वक्त देखा ही नहीं। अच्छी लग रही है। तो इसके हाथ में थोड़ी सी लग गई है, इसने फ्रूट्स काटे हैं पूरे, लेकिन इसके हाथ में हल्का सा चाकू लग गया, तो उदास होके बैठा है। पूरा उसने काटा है अम्मी, अब ऐसे कर रहा है, इमोशनल हो रहा है। हटो हटो, आज तुम लोग कुछ मत करो। नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी अच्छे पीस काट लेगा, बेचारे के लग गई, अब बेचारे के लग गई, खून आ गया, लग मुझे बड़ा। फिर भी काटने को कह रहा था। आज के गुलगुले भजिए मैंने बनाए, फिर बताना कैसे बने। गुलगुले पहले से इतने अच्छे कि बता नहीं सकते। अब ये अम्मी पता है खा के बनाए, जब खाना फिर बताना। सार जो है फ्रेंड्स वो रेडी हो चुका है, और ये चीजें जो है ये बाहर से आ गई है, सब रेडी है। भाई अभी अभी आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे। अम्मा चलो बैठो। काम की मन को भागा मोर लग रहा है ना।
लोग मिले थे? बहुत आज जितने भी लोग आज अम्मी को लोखंडवाला में मिले थे सबको अस्सलाम वालेकुम दिल से प्यार, और अम्मी को इतना प्यार देने के लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू। अरे वाह, ऊपर से भी गुलगुले आ गए, गुलगुले गुलगुले हो गए। पकौड़े सच में बहुत अच्छे बने थे। इसकी फुल रेसिपी आप चेक करिए, चैनल का नाम है कुक विद मारिया, मैंने उसके चैनल से देखा था, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, चार मुबारक। वालेकुम सलाम बेटा, आपको भी कल ईद है बेटा, इधर ईद है, तैयारी हो गई? तैयारी क्या करना है बेटा, सब हो जाती है। सही ठीक है, खा लिए लो, खाने से बात करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, तो बहुत मुबारक हो। आज डिनर में बना था कटहल रोटी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त 11:30 साढ़े दस हो रहा है। तो हमने सोचा आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर बीच में थकान हो गई थी तो ज्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। आज ये लोग क्या लेके आए थे वो आपको दिखाते हैं। गए थे ना ये लोग मार्केट। फ्रेंड्स, अभी पता चला है कि जो कल बाहर ईद है, तो जो लोग देख रहे हैं, जब ये व्लॉग जाएगा तो आपके यहाँ ईद होगी, तो आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। हमारे यहाँ पे कल चांद रात है। आपने एक दो ब्लॉग पहले देखा होगा ना, नाजा खाला व्हाइट कुर्ता देख रही थी तो उनको ये कुर्ता दिलाया था, लेकिन अब पूरा व्हाइट नहीं पहना था क्योंकि बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है, तो कुछ कॉन्ट्रास्ट में चाहिए था। तो आज ये लोग गए थे, तो भगवान कलेक्शन में देखिए कितने अच्छा दुपट्टे आए हुए हैं इस तरह के, तो ये हो गया ये, और साथ में सलवार भी आई हुई है, तो ये हो गया। तो ये सलवार का कपड़ा हो गया, ये दुपट्टा हो गया, और ये हो गया कुर्ता। अच्छा लग रहा है? अच्छा। बेटी का नाजा का लोग फिर से गई है मार्केट चूड़ियां लेने के लिए, अभी तक नहीं आई, 11:30 हो गया। और फेशियल करने के लिए भी आज घर पे बुलाया था किसी को, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, और अभी 11:30 हो रहा है, वो भी पहुंचने वाली है, बस यहीं पे ही है, और नाजा खाला लोग ही घर पे नहीं है। आप कराओगे फेशियल? पहले वो लोग करवा लेंगे। हाँ, देखते हैं उनके पास टाइम रहेगा तो तीनों का करा देंगे। इतनी देर से चूड़ियां पसंद करता है कोई? यहाँ गए अपनी अंबिका वालों के यहाँ तो दुकान बंद हो गई, शांति नगर गए वहाँ चूड़ी नहीं मिली, मेटल की मिली, फिर वहाँ से हैदरी जाओ, शांति नगर में कांच की कभी नहीं मिली। हाँ, वहाँ गए, फिर इंदौर कलेक्शन उतारा, फिर वहाँ गए, अंदर इतनी भीड़, मजा आया, धक्को में गए, मजा आया, लेकिन अच्छा लगा। 60 बजे ऐसे छोटे बच्चे लाके देते हैं। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, चूड़ी नहीं ली? अरे लोग नहीं, अरे शालो भी थक गए, इतनी भीड़ थी और इतने लोग मिल रहे थे, आपको पूछ रहे थे। तुमने क्या बोला? हम बोले नहीं, वो घर में है। तो सदफ आ गई है अम्मी का फेशियल करने के लिए, घर पे ये लोग आते हैं और बहुत अच्छा होता है, ये काफी ज्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे, तो ये लोग घर आके अच्छे से फेशियल करके देते हैं। तो अम्मी अभी पहले करा रही है, उन्होंने सारी चीजें सेट कर दी है, और इनका पेचा क्या नाम है, स्काईलाइट ब्यूटी, हमारा क्लिनिक कुरला। ये बेचारी यहाँ पे बैठ के अपने स्कूल का कुछ बना रही है। ये क्या है? ये गोल्ड है और ये सिल्वर। और ये क्या बनेगा? लेड। माशाल्लाह, अच्छा लगा? अच्छा, अभी अच्छे से वॉश कर लो, बहुत अब दोबारा नंबर ले जाओ। आराम कितना मिला, रिलैक्स लगा, ठीक है, अच्छा लगा, फेस भी अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। अरे वाह, मी गिफ्ट भी मिल गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये स्काईलार्क ब्यूटी का है कुछ नहीं होता, देखो नाजा का फेस कितना अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, सबका चेहरा बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। तुम लोग की अभी नहीं लगी मेहंदी? नहीं अभी, किसकी लग रही है? छोटी खालम्मी की लग गई, अम्मी की लग रही है, बड़ी खालम्मी की लग रही है। तो लगवाऊंगी नहीं? क्यों लगा? नहीं है, थोड़ी सी मैंने पिछली बार लगा के, मुझे क्लास के बाहर इतना ट्रस्टी है स्कूल की डाटा। इस बार के रमजान का ये आखिरी इफ्तार था, तो भाई ने कहा था कि सारे लोग मिलके करेंगे, और फ्रेंड्स के बिना कैसे सारी चीजें कंप्लीट हो सकती हैं, तो भाई के सारे फ्रेंड्स भी आए थे और सारे लड़के लोग मिलके इफ्तार की पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे। देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि फैमिली है, और सच में फैमिली ही है। सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा था, तो सब लोग अपने अपने तरफ से अपने सारी चीज़ें कर रहे थे, और इसमें ही मज़ा है, जब सारे लोग मिलके सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं ना, तो हर खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। यहाँ पे आधे लोगों की मेहंदी लग चुकी है, अम्मी अपनी मेहंदी दिखा रही हैं, और बस ये आखिरी रोज़े की दुआ। बड़ा ही अजीब लग रहा था कि बस ये मौका है, अभी जितनी दुआ मांग सकते हैं जल्दी से मांग लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबकी मेहंदी लग रही है,
मेहंदी सूख जाए फिर चलते हैं। अभी जाएंगे हैदर चौक, चूड़ी लेंगे, जो जो लेना होगा लेंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली चांद दिख चुका है, कल ईद है, चांद रात है, तैयारियां चल रही है। अभी लोग की मेहंदी जो लग चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। आज अम्मी ने वो सूट पहना है जो हम दिल्ली से लेके आए थे, कलर जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लोग जा रहे हैं चूड़ियां लेने और बाकी शॉपिंग करने। ये भी खड़ी है, तुम क्या लोगी अभी? वो स्लीपर वगैरह। सबको हम सबके तरफ से चांद मुबारक, चांद मुबारक। अम्मी लोग कल बाहर गए थे तो कुछ लेके आए हम लोगों के लिए, तो वो अभी कह रही है हम देने आ रहे हैं। तो अम्मी की तरफ से ये आप लेके आए थे? हाँ, लेके आए। देखो तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अम्मी की तरफ से भी हमें सरप्राइज मिला है, अम्मी के लिए सूट लेके आई थी और खाला लोग चूड़ी लेके आई है मैचिंग। दुपट्टा देखो पहले। अरे वाह, ये क्या है? ये तो कुर्ता है। नहीं नहीं, अच्छा ये कॉटन का दुपट्टा है, ये हम सर में डालते हैं तो हमें कॉटन का मोटा दुपट्टा होती है ना, मोटा दुपट्टा चाहिए कॉटन का। और मैचिंग की चूड़ियां भी मिल रही है, देखो कंट्रास्ट है। और भाभी के लिए भी कुछ ला है, बाद में देखा। हाँ, वो भाभी के वीडियो में देखे। कल तुम्हारे शादी का सालगिरह, कल तबियत हमारी खराब हो गई, हमारे घर की परंपरा चली आई है। तुम समझ गई होगी कि इसमें क्या है। ये लो भैया सारा जो होता है, ये लो हमारे कितने खुश है। हाँ फिर और अच्छा सा ये छुपा है, वही हमारे तरफ से हमें नहीं पता था। हाँ कल हमने